राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज होने लगी है, जिसके चलते पूरे शहर में रंग रोगन से लेकर साज सजावट का कार्य जोरों पर चल रहा है। जिसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि दिसंबर के माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून शहर भव्य तरीके से सजाया जाए। उन्होंने कहा कि जिसके लिए हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन समेत साज सज्जा के अनेकों कार्य चल रहे हैं। वही इन्वेस्टर समिट को देखते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाड नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये बेसिकली एक देखें तो शहर के हित में लिया गया निर्णय है और देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटन, आप देख ही रहे हैं कितने पर्यटक आते हैं, वो चाहे चार धाम का हो चाहे वैसे टूरिस्ट का हो, तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों आते हैं। तो निश्चित रूप से शहर ऐसा दिखना चाहिए कि जो अच्छा लगे। तो अगर कोई विरोध है तो उनसे हम लोगों ने बात किया भी था, बेसिकली पुराने साइन बोर्ड को हटाने के था, वो हमने बात कर लिया था। चूँकि हमने एक सिमिट्री रखी, एक रूपता रखी कि एक ही तरह के सबके साइन बोर्ड हैं, वो हम लगा रहे हैं, तो पुराने हटने शुरू भी हो गए, काफ़ी हम लोगों ने हटा भी दिया।